आम खबरें बहुत ही तेजी से सूरत हाल बदल रही है और कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी है और कुछ दुनिया खाना जो खबरें चल रही थी, क्या मामला चल रहे थे, मुजाकरात किस बुनियाद पर हो रहे थे और इमरान खान साहब को किस बात पर राजी करने की कोशिश की गई और फिर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और फिर रातों रात एक एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। मिसाल का सारा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ खबरें कुछ तजिए और हो जा सकता है क्योंकि इस वक्त ये बात तो तयशुदा है कि 24 नवंबर एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने जो दी है घर से, उसके बारे में हुकूमती इदारे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें। और इमरान खान साहब के साथ जेल में जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की और फिर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से उससे पहले जो स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने बातचीत की उसमें भी ये तजवीज रखी गई कि किसी भी तरीके से ये एहतजाज जो है वो 10 दिन के लिए मुअख्खर कर दिया जाए, यानी 24 नवंबर के बजाय आप इसको 10 दिन बाद ले जाएं और उस तक हम कोशिश करेंगे ये कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये बात उन तक पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि ये एक फ्रेम है और ये बात दुरुस्त नहीं लग रही क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, पहले भी ये हमें इस तरह कर चुके हैं हमारे साथ, अब फिर ये कर रहे हैं, हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये आ जाते हैं और जब प्रेशर हो जाता है तो फिर ये अपनी बातों से मुकर जाते हैं। इस मुलाकात जो उनका तक पहुंचाई गई बात इमरान खान साहब तक, मैंने आपको बताया था कि मुलाकात चल रही है और अब इसकी इस बात की तस्दीक है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी कर दी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दी कि मुलाकात तो चल रहे थे और ये चल रहे थे स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है, आपके साथ रखता हूँ, आज इमरान खान साहब की हुई है इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और फिर एहतियात रखने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी गई है और मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अदालत के सामने, वहां पे क्या बात हुई उससे भी आगाह करते हैं। पहले जरा इन्हीं बातों को ले लेंगे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक पिटीशन फाइल करवाई है, सरकारी पिटीशन थी यकीन और उसमें जो वकील थे वो भी वही थे जो सरकार के मुकदमा कहते हैं बिल अमल, तो मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इन्हें कंटेनर लगाकर शहर को बंद करना और इंटरनेट बंद करना ये नहीं है जरा तरीका का, ये सही नहीं है और ये कोई मसले का हल नहीं है। आप इस तरीके से करें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, उनके साथ बातचीत करें और मामला सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है, जिंदगी भी महफूज होती है, पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंच रहा है और खासतौर पर इंटरनेट और सर्विस बंद कर देना और इस्लामाबाद को कंटेनर स्थान बना देना, इससे ये कोई मसले का हल नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बातें वहां पर बयान की कि जनाब कंटेनर पर खतरा बहुत आता है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं या अपने अपने शहरों में एहतजाज कर रहे हैं ये ना करें, तो भारत बात वो नहीं बनी और जो अरेस्ट ऑर्डर लेने गए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो ऑर्डर इनको नहीं मिल सका क्योंकि ये हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जो फस्तायत का मुजाहरा करना था वो सारे का सारा अदलिया के खाते में डालना था। एक तो ये हुआ, उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पे बात की है और उनको कहा है कि जनाब ये मसला है तो हमारी इसमें मदद करें और कोई जगह मुख्तस किए देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है उन्होंने कहा कि ये साल आना क्योंकि आज जुमरात चल रही है, मैं आपको ये बता दूं जुमरात है 5:32 अभी हम आपको जब मैं गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो 5:30 का वक्त है, तो आज का अल्टीमेटम दिया हुआ था इमरान खान साहब ने कि जुमरात तक अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारा एहतजाज है ये तो होगा और 24 नवंबर का इवेंट हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यही बात की है कि जनाब ये सारे इख्तियार जो है वो यही है कि बरह रास्त आप इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं आप उनसे मिल लें, अपना कोई नुमाइंदा भेजना चाहते हैं कोई नुमाइंदा भेज दें, हमारे पास इससे ज्यादा का इख्तियार नहीं है और या फिर आप अगर कहेंगे तो मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बातें की वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है और ये एहतजाज भी होगा और मुजाकरात भी होंगे, उन्होंने कहा कि दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, ये नहीं हो सकता कि हम एहतजाज और एहतजाज को वक्त कर दें और मुजाकरात का लाइन टॉपले, ये नहीं होगा। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा, उन्होंने कहा कि अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रहा कर दें और जेल में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे 60 केसेज हैं वो बनाए गए हैं और नवाज शरीफ ने उन्होंने कहा कितने शोर पर बांध जमा कराए थे, उन्होंने कितने शोर पर बांध जमा कराया और उनको तो हाईकोर्ट था, उनको तो एयरपोर्ट पे जो सवाल आते थे मुजरिम थे मतलूब थे अदालत को तो उन्हें तो बायोमेट्रिक दिया गया और एयरपोर्ट पर दिया गया, घर चाहते बुलाया गया उनको, तो उन्होंने कहा कि ये बातें जो है ये हमारे साथ में बहुत दफा हो चुकी है तो इसलिए मुझे ये तो कन्फर्म हो गया इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इन्होंने पोलिटिकल डिफॉर्मेशन के लिए रखा हुआ और इसके अलावा कोई हल नहीं है, अब ये वजीर खुद मान रहे हैं और सरकारी दानों से वो खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सारे मुकदमा सियासी है और उन्होंने कहा कि सियासी है तो जिन्होंने बनाए हैं वो खत्म भी कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी उन्होंने कहा कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है और कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, जैसे नवाज शरीफ का मुकदमा खत्म किया वैसे मैं खत्म कर दें, जैसे उनको रहा किया वैसे मुझे रहा कर दें और बाकी हमारे घर नौकर रहा करें हमारे कारकुनान को रहा करें तो मसला हल हो सकता है।
होगा मैं ये भी कहा करी मुजाफरत से जिन जेल से हो रहे हैं मैं नाम भी बता सकता और जो मुजाफरत हो रहे हैं वो इनमें संजीदा नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें एंगेज करके ये एतराज एतराज हम वक्त करवाना चाहते थे और वो हम नहीं करेंगे किसी भी शर्त में नहीं करेंगे और हमारे चाहते हैं हमारे सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई है और उन्होंने कहा कि सारे मेरे सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनमें जमानत हो चुकी है मगर इसके बावजूद मुझे रिहा नहीं किया गया। अगर ये वाकई मुजाफरत में संजीदा होते तो कल ये मुझे रिहा कर सकते थे आज रिहा कर सकते थे और ये रात जो 12 बजे उन्होंने एफआईआर में गिरफ्तारी डाली है तो इसका मतलब है कि इनकी नियत ठीक नहीं है ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे थे और वो अब हम टाइम नहीं देंगे। और ये बना तो बरिश गौर के जरिए ऑफर हुई कि इतराज मुलतवी कर दें सब ठीक हो जाएगा। रिमा खान साहब ने भी कहा कि 10 दिन के लिए इतराज मुलतवी करने का कहा गया था लेकिन बात नहीं बनी और इमरान खान साहब ने जो बात की है वो यही है कि आप अगर वाकई संजीदा है तो तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रहनों को रिहा करना पड़ेगा आपको। एंटीफाइड लोगों की रिहाई का मतलब बचा रखा था ताकि यात्रा की संजीदगी का पता चले। इमरान खान साहब ने कहा यह डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी जो उन्होंने नहीं की। हाईकोर्ट ने कल जमानत मंजूर की मेरी हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते और वाजह हो गया कि हुकूमत मुझे एंगेज करके मामले को तोड़ देना चाहती है। 26वीं आईनी पर भी मुकम्मल वापस हो गई तो उन्होंने कहा कि कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा और हमारे पास जिंदा कौन की तरह इतराज के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और सच बात है यात्रा के दरवाजे उन्होंने कहा कि कभी बंद नहीं करती हमारे दरवाजे खुले हैं और हर वक्त खुले हैं लेकिन मुजाकरा चलते रहते हैं मगर ये पता चल गया है कि ये मुजाकरा में सीरियस नहीं है लोग ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए करते हैं ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। और 24 नवंबर को उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी का जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड साज होगा क्योंकि वो आजाद मुल्कों में रहते हैं और वहां पे न दफा 144 है न दहशतगर्दी के मुकदमा है न पुलिस गर्दी है न लाठीचार्ज है न आंसू गैस है और न ही वहां पे खवातीन को उठाया जाता है नौ बहनों बेटियों को उठाया जाता है तो वहां पे एहतजाज होगा और जमहूरी तरीके से होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूँ मुझ पर जेल में होते हुए केसेस बनाए गए मुकदमा बनाए गए जो कि झूठे भी है बेबुनियाद भी है और इंतकाम की वजह से बनाए गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस दफा का जो एहतजाज है हमने वकला को जजेस को तलबा को सिविल सोसाइटी को सबको हमने इन्वाइट किया हुआ कि आए और आकर बात करें और आगे बढ़ सकती है लेकिन ये जो है अभी तक ये किसी और मूड में नजर आ रहे हैं और इनका जो मूड है वो उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा है अच्छी तरह कि ये जो कुछ करना चाहते हैं वो अब नहीं होगा और हम अब बार बार उन्होंने कहा कि मैंने जो है एक सवाल से बार बार नहीं दसा जाता लिहाजा इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुजाकरात और जो मामला चल रहे हैं दूसरी जानब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो गए थे तो वहां पे भी इनको रिलीफ नहीं मिला। आगे बढ़ते जो केस था आज रिमांड के लिए गए थे और पेशाखाना का केस था तो एक अल्काइडा टेस्ट केस था ये सारे के सारे थे तो पेशाखाना का जो केस है उसमें आज बुशरा बीबी अपीयर नहीं हुई और उसमें दलाल दिए गए हैं और बुशरा बीबी अपीयर हुई उनकी हाल ही से मंजूर कर ली गई और आगे फिर कार्रवाई नहीं बढ़ी। पेशाखाना वन केस था आज उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी और उसमें जो केस आज जेर बहस आया जो अहम बात सामने आए ये वो है पेशाखाना वन जिसमें इमरान खान साहब की जमानतें हो चुकी हैं सजाएं सस्पेंड है अब मेरिट पर फैसला सुना जा रहा है और मेरिट पर फैसला सुनाया जाएगा और उसके लिए आर्गुमेंट चल रहे हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई वो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से अली जफर साहब पेश हुए और अली जफर साहब ने कहा कि जनाब हम इसका मेरिट पर फैसला चाहते हैं। एक बात उन्होंने कही कि अदालत ने कहा था कि मैं जाके बात करूं इमरान खान साहब के साथ तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए मैं दो दफा गया और दोनों दफा जेल हुकाम ने मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी और इसलिए मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। नंबर वन। नंबर टू उन्होंने कहा कि मुझे इनडायरेक्ट इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम आता है और जिनकी तरफ से एडवाइस आई उसके अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि जनाब हम इसका मेरे पर फैसला चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो इब्तदाई किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको रिमांड बैक कर देते हैं और रिमांड बैक कर देते हैं वापस नहीं देते हैं ताकि फिर ट्रायल का आपको हक मिल जाए। तो जस्टिस अली जफर ने कहा कि मेरे पास जो आर्गूमेंट है वो ऐसे है कि आप इसको रिमांड बैक करने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी बल्कि आप इसको यहीं पे इस केस को खत्म करेंगे और उसकी वजह उन्होंने बताई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो साइफर केस था उसमें तो काफी कुछ उसमें तो जो है वो थोड़ा सा मुकम्मल तौर पर उसका ट्रायल हुआ था तो ये तो इसका तो पूरा ट्रायल भी नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हमने साइफर केस सुनते हुए म्यूजिक फेस किया और फिर बेंच पर बात आती है कि दो माह हो चुके फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस केस में 342 में भी नहीं 342 का बयान ही नहीं हुआ कुछ जगहों पर जुड़ा भी नहीं हुई तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम केस के मेरिट की तरफ जा भी सकते हैं या नहीं। इस केस में गलती प्रोसिक्यूशन की है मैं आपको दिखाऊंगा बरिश्ते अली जफर ने कहा और उन्होंने कहा कि कोर्ट को जिच किया जिसके बाद ये हुआ और अब जब ये देखा मैं आपके जो वकील थे उन्होंने कहा कि एसडीएस को टेकना केस में केस रिमांड बैक हुआ और और फिर इसमें दलियत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिमांड बैक कर दिया था। ये केस मैंने भी रिपोर्ट किया और जस्टिस मियां गुलहसन और साहब इस केस में हफीज की जगह से आपकी मुआवनत कर रहे थे। तो अली जफर साहब ने कहा कि उस वक्त हुकूमत तब्दील हो चुकी थी।